दोस्तों भाई, तो किसी आतंकी हमले को या सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो हमारे देश के कमांडो उन साजिशों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कहीं तो इजराइल जैसे देश के प्रेसिडेंट ने ये भी कहा है कि अगर हमारे पास इंडियन आर्मी हो तो मैं पूरे देश पे कब्जा कर सकता हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यह भारत के सर्वश्रेष्ठ कमांडो कैसे तैयार किए जाते हैं, भाई इनकी ट्रेनिंग क्या होती है, भाई ट्रेनिंग के दौरान किस किस तरीके की कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप एंड तक देखना, जिसमें हम आपके कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर बढ़ाएंगे। कहीं तो हमारे देश के अंदर कमांडो को ट्रेन करने वाली एजेंसी NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, भाई तो इस एजेंसी का 1984 में गठन हुआ था। भाई तो देश में आतंकियों से निपटने के लिए इनके द्वारा कमांडो तैयार किए गए हर एक आतंकी साजिश को नाकाम कर देते हैं। भाई तो कमांडो की ट्रेनिंग दो फेजों में होती है। पहला फेज जिसके अंदर कमांडो को 4 से 5 दिन तक हर दिन 4 से 5 किलोमीटर लंबी दौड़, भाई तो कीचड़ से भरे हुए पानी के अंदर चलना सिखाया जाता है। कमांडो को ट्रेन करने वाले ट्रेनर ने यह भी बताया है कि 60 से 70% लोग पहले ही फेज में निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद बचे हुए बाकी कमांडो को सेकंड फेज की तैयारी की जाती है, तैयारी करवाई जाती है, जिसके अंदर उनको जंगलों के अंदर दौड़ना और हेलीकॉप्टर से करीब 100 मीटर की ऊंचाई से कूदना और उसके बाद पैराशूट द्वारा धरती पर उतरना होता है। भाई तो इसके बाद इनको रस्सियों के द्वारा बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना होता है और इसके साथ ही साथ एक मिर्ची बम टेस्ट भी होता है, जिसके अंदर सारे कमांडो को इकट्ठा करके मिर्ची गोले को छोड़ दिया जाता है। भाई तो ये सारी प्रक्रिया 3 से 4 महीने तक चलती है। जो कमांडो इन दो फेजों को फाइनल कर देता है उसे भारत के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ NSG और ब्लैक एंड कमांडो में सेलेक्ट कर लिया जाता है। भाई तो इसके बाद इन कमांडो को हमारे देश के VIP को सुरक्षा देना होता है, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाई आपको एंड तक वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।